हे गाइस व्हाट्स अप, हाउ आर यू? सो आप लोग कैसे हो? तो देखो बच्चे लोग, आज हमें जो डिस्कस करना है पीरियोडिक टेबल में, हम जो डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। ये जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट है ग्रुप वन और आपके ग्रुप टू है, और भी उसमें डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, उन सब का भी हम डिस्कस करेंगे, पर वो स्लोली एंड स्लोली यानी ग्रेजुअली धीरे धीरे करेंगे। पर आज जो हमें डिस्कस करना है वो हमें करना है एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। अब हमें समझना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। आई होप आप सब लोगों ने पढ़ा होगा फोर प्रिंसिपल, याद है फोर प्रिंसिपल? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ पोटेशियम की, आपका ये पोटेशियम है, पोटेशियम के एटॉमिक नंबर होते हैं 19। तो अगर मैं बात करूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ अ फोर प्रिंसिपल, तो हम कैसे लिखते थे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ये हमारा होता था, काउंट कर लो, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 19, यानी टोटल आपको कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 19 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे पीरियड कितना हो जाएगा? स्मॉल एन इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अगर मैं सेल की बात करूँ, टोटल कितने सेल हैं? तो यहाँ पे टोटल कितने सेल हो गए? देख लो, यहाँ पे एस के हैं, पी है, तो यानी आपके 4 सेल हो गए, यानी के, एल, एम और एन, ये होगा। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये तो ठीक है, इतना तक तो ठीक है, लेकिन अब आता है इस सेल के अंदर भी क्या देखना है? सब सेल देखना है। जैसे मैं अगर बात करूँ के सेल की, तो के सेल में कितने सब सेल होंगे? 1 सब सेल होगा। और अगर एल की बात करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका? देखो, 2 सब सेल है, एस के भी है और पी के भी है। और जब हम एम की बात करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इट मीन्स डैट, अच्छे से समझ लो, एस क्या होता है? ये जो होते एस होते हैं, पी होते हैं, डी होते हैं, एफ होते हैं, ये सब क्या है? दीज ऑल आर द सब सेल। इन सबको हम क्या कहते हैं? सब सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब इंटर करेगा सब सेल में, करेगा इंटर कहाँ करेगा? सब सेल में, यानी एस सब सेल के आउटर मोस्ट में, यानी एस ब्लॉक है, एस सब सेल, एस हमें पता है एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन होगा एस में, तब ये हमारा क्या हो जाएगा? आपका ग्रुप 1 हो जाएगा। जब एस में यानी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ग्रुप 2 हो जाएगा। तो अब इसी में हमें और आगे थोड़ा डिटेल में समझना है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। अब देखो, हमें आगे हम समझते हैं इन सब चीजों के बारे में, क्या हमें जब समझना है, ध्यान से देखो। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रुप 1 की, पहले ग्रुप 1 की देख लेते हैं, फिर उसके बाद ग्रुप 2 को देखेंगे। तो ग्रुप 1 को हम कहते हैं एल्कली मेटल। क्या कहते हैं? एल्कली मेटल। अच्छा, अब एल्कली मेटल यानी इसमें कौन कौन से आपके हो जाएंगे? देखो, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीसियम है और फ्रांसियम है। तो इन सब के जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। कैसे? देखो, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, लिथियम में क्या हो जाएगा? 1s2, 2s1 हो जाएगा। सोडियम में क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। पोटेशियम में क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। तो इससे क्या पता चल रहा है? सबका जो सब सेल है यानी जो आउटर मोस्ट सेल है, सब में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसी तरह से हम रुबिडियम में चले जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लास्ट में 5s1 हो जाएगा। सीसियम में चले जाए तो ये क्या हो जाएगा? 6s1 हो जाएगा। और फ्रंसियम में अगर हम चले जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा? 7s1 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है एन, यानी एन इज इक्वल टू आपका एनर्जी लेवल था और सेल था। तो एनर्जी लेवल और जो सेल होते हैं वो आपको बता देता है एन का वैल्यू, यानी इससे आपको पता चलता है पीरियड। स्मॉल एन डिनोट्स पीरियड। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? फर्स्ट पीरियड में। लिथियम 2s1 है तो सेकेंड पीरियड में हो जाएगा। सोडियम थर्ड पीरियड में हो जाएगा। पोटेशियम फोर्थ पीरियड में, 4s1 है। रुबिडियम 5s1। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब सेल में चला जाएगा।
और सीसियम 6s1 यानी 6th पीरियड में चला जाएगा, फ्रंसियम 7s1 यानी आपके 7th पीरियड में चला जाएगा। यहां तक क्लियर होगा? अब इसी में आगे समझना हमें, देखो यहां पर ध्यान से, अगर मैं बात करूं ग्रुप टू की, ग्रुप टू में क्या हो जाएगा, तो ग्रुप टू में जैसे हमारा एलिमेंट क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, तो इन सब के जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बेरिलियम है आपका, तो 1s2 2s2 यानी ये सेकेंड पीरियड में आ गया 2s2। और इस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी अगर हम इसका ब्लॉक बनाए ये है। मैग्नीशियम में भी क्या हो जाएगा आपका, आउटर मोस्ट शेल की अगर हम बात करें तो देखो जैसे ये क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। इट मींस दैट ये साफ पता चल रहा है कि मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड में है और एस सब सेल में है, और इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम में भी सेम वे हो जाएगा आपका, आउटर मोस्ट में यानी 4s2 हो जाएगा, स्ट्रॉन्शियम में 5s2 हो जाएगा, बेरियम में 6s2 हो जाएगा, और रेडियम में आपका हो जाएगा 7s2 हो जाएगा। तो इन सारे मेटल को हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो और ये जो था ग्रुप वन उसको हम क्या बोलते थे, एल्कली मेटल बोलते थे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। तो ग्रुप वन जो था उसको बोलते थे, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 1 इलेक्ट्रॉन यानी एस सब सेल। अब इसी में समझो अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और अल्टी एंटी पेनल्टीमेट। जैसे अगर मैं बताऊं, एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं रख कर दूं, सपोज अगर मैंने ले लिया सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, तो सोडियम का हमें पता है ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, एटॉमिक नंबर 11, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 यानी स्मॉल एन यानी एनर्जी लेवल पीरियड थर्ड पीरियड हो जाएगा, यहाँ पे एस सब सेल हो जाएगा आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको कैसे बनाएंगे देख लो यहां पे अच्छे से, तो ये आपका हो जाएगा के एल एम, के में हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन, एल में हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, और M में यानी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो आउटर मोस्ट सेल है इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अल्टीमेट सेल। और उससे एक अंदर वाला जो सेल हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पेन अल्टीमेट सेल। क्या बोलेंगे, पेन अल्टीमेट सेल। और अगर हम उसे एक और अंदर ले लेते हैं हम उसको क्या बोलेंगे, एंटी पेनल्टीमेट सेल। उसको लिखना यहां लिख लेते हैं, एंटी पेनल्टीमेट सेल हो जाएगा ये। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी थ्रू द कमेंट बॉक्स। होप सो, थैंक यू।